इस वक्त में मैं दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ पर तकरीबन 212 ऐसे यात्रियों को यहाँ पे लाया गया है इसराइल से, जो भारत मूल के हैं। ऐसे में कई स्टूडेंट्स जो हैं वो भी वहाँ पर लौटे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। जिस तरह से इसराइल में हालात बने और जिस तरह से वहाँ पर एक डर और खौफ का वक्त तो नेशन था ही, लेकिन जिस तरह से अब भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया, भारत मूल के तमाम लोगों को अब भारत में लाया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा तेज आवाज़ में आपसे बात। वो डेफिनेटली बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का और इंडियन एम्बेसी तेल अवीव का। सबका वो कलेक्टिव जो है एफर्ट है और कभी बहुत सराहनीय कदम है। आप यहाँ से सीधे दरभंगा जाना है या कहीं और अपने रिश्तेदारों से मिलना है? सीधा अभी तो नहीं प्लान है, लेकिन जाऊँगा मैं जी। और मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से स्थिति की बात कर रहे थे, अभी वहाँ पे इसराइल में किस तरह के हालात हैं, किस तरह से वहाँ पे सिचुएशन बना हुआ है, और जब अचानक वह बमबारी हुई, जब सारी चीज़ें हुई, तो क्या किस तरह का डर और खौफ था उस वक्त को, मैं आपके शब्दों में समझना चाहूँगा। देखिए, जो वॉर डिक्लेयर है तो डेफिनेटली डर तो रहेगा ना। वॉर डिक्लेयर है, लड़ाई चल रही है, पता नहीं है कि कितने दिन चलेगी, कितना घर पे खाना रखना है, कितना स्टॉक रखना है, ग्रोसरी रखना है, क्या रखना है, क्या पता सुपरमार्केट में स्टॉक ख़त्म हो जाए, तो इन सब चीज़ का डर तो रहता था। आप रह रहे हैं इसराइल में, लेकिन दरभंगा में जो आपके परिवार होंगे उनको समझाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, क्योंकि सब मीडिया सब तरह का है, तो जाहिर है कि थोड़ा देख के डर तो लगता ही है। तो मैं समझा रहा था कि इतना अभी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है नहीं, बाकी वॉर डिक्लेयर है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वहाँ से जब आप फ्लाइट पे बैठे, घर वालों से बातचीत हुई, किन से अपने माँ पापा किन से जब बातचीत हो रही, तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, मेरी मदर का बहुत सरप्राइज थे वो, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं आऊँगा। ये सारा बहुत मतलब बहुत जल्दी हुआ है ये सब, मतलब सिर्फ 24 घंटे में ही हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छा था उनका। कई दोस्त आपके आज भी फंसे होंगे वहाँ? हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले रजिस्ट्रेशन करा था, लेकिन उनको नहीं मिला और मुझे फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया। क्या करते थे आप इसराइल में? मैं वहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करता था। ओके, आखिरी में एक सवाल, आखिरी, जब आप भारत आ चुके हैं, अपने वतन में आ चुके हैं और जिस तरह से इस पूरे अभियान को चलाया गया, उस अभियान के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले कि जो है तेल अवीव, इंडियन एम्बेसी तेल अवीव को मैं थैंक्स कहूँगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, सबको थैंक्स। चलिए, एयर इंडिया को भी ओके, चलिए, ये एक खुशी है एक युवा को जो इसराइल से वापस लौटा है, और इसराइल लौटने के बाद निश्चित तौर पे जब ये अपने परिवार वालों से बातचीत कर रहा था, बेहद खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि एक युद्ध वाले देश से जहाँ पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और वहाँ पर जो स्थिति है, उस स्थिति से लड़ते हुए जिस तरह से अब अपने वतन पे लौटा है, और जिस तरह से खास तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया, और ऑपरेशन अजय के तहत उन तमाम युवाओं को, उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन तमाम भारतीय नागरिकों को इसराइल से निकाल करके भारत में लाया जा रहा है जो वहाँ पे फंसे हुए थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अभी शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में इस तरह के कई ऑपरेशंस अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, जिसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 IGI एयरपोर्ट।